अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एंड इन द सेकेंड यूनिट वी हैव डिस्कसिंग फिनोल्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड फिनोल्स एंड डूइंग प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। सो इन दिस लेक्चर we are going to start the third preparation of alcohol, that is from Grignard reagent. When oxygen reacts with phenyl magnesium bromide, जिसे हम कहते हैं Grignard reagent, in presence of oxygen, जो phenyl magnesium bromide है वो convert हो जाता है phenoxy magnesium bromide. एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सोल्यूशन, जिसमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा, भी डिल्यूट मिनरल एसिड के साथ वो हमें देता है फिनोल। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस हाफ ऑक्सीजन ड्राई ईथर की प्रोसेस में देगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो वाटर की प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस जाएगा और बनाएगा फिनोल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बाय रैशिंग प्रोसेस। जो बेंजीन है वो रिएक्ट करता है विद द वेपर्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड एयर एट 520 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट मिक्सचर ऑफ कुप्रिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड, और बना के देता है हमें क्लोरोबेंजीन, जिसके बाद में अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय स्टीम वो हमें बना के देगा फिर से फिनोल और अलॉन्ग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन विल रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कुप्रिक क्लोराइड एंड फेरिक क्लोराइड। टेम्परेचर होगा 520 केल्विन और बना के देगा टू मॉलिक्यूल्स क्लोरोबेंजीन के और दो मॉलिक्यूल्स वाटर के। क्लोरोबेंजीन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एट अ हायर टेम्परेचर 700 केल्विन हमें मिलेगा फिनोल और हाइड्रोक्लोरिक गैस। जो अबव मेथड में हमारी हाइड्रोक्लोरिक गैस बनी है वो जूस की जाती है टू कन्वर्ट बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल फ्रॉम हेलो अरीन्स। अराइल हेराइड्स जो होते हैं वो क्वाइट्स अनरिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, लेकिन फिनोल को जब हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट के साथ, टेम्परेचर हो 573 टू 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है सोडियम फिनोक्साइड, जिसकी थोड़ी सी एसिडिफिकेशन से वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड, जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे हमें क्या मिलेगा फिनोल। फ्रॉम कुमीन, फिनोल जो है हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कमीन। इन दिस फर्नेस फिनोल इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ इनएक्सपेंसिव बेंजीन एंड प्रोपीन इंटू यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट फिनोल एंड एसीटोन। नियरली जो 80% है फिनोल की रिक्वायरमेंट हम इस प्रोसेस से करते हैं। इसमें क्या होता है, बेंजीन सबसे पहले रिएक्ट करता है प्रोपीन के साथ, टेम्परेचर होगा 500 केल्विन एंड अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म कुमीन, जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन फिर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ एट 400 केल्विन टू गिव कुमीन हाइपर हाइड्रोपरोक्साइड। कुमीन हाइड्रोपरोक्साइड की फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं विद 10% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एसीटोन एज शोन। So these are the various preparations of alcohol. With this, today lecture is over. Thank you students and have a very nice day. In the next lecture, we will discuss the physical properties of phenol. Till then, have a nice day.